मन कर्म और वाणी से भक्ति एक होना चाहिए। जो आपने मन में सोचा है वही भगवान के सामने बोलो, क्योंकि भगवान को कपट पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति करो, किसकी भक्ति करो? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, आत्मनिवेदनम। यही श्लोक की व्याख्या प्रथम श्लोक में भागवत जी के बताई गई है। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा, ये है कैसे? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को प्रणाम करने से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। प्यारे, ध्यान देना, जिसको हम प्रणाम करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर आ जाए, इसी भाव को लेकर हम प्रणाम करते हैं। कौन सा गुण है? जो सात्विक गुण है,